देश भर में सैकड़ों संत आशाराम बापू आश्रमों 1400 से अधिक समितियों तथा असंख्य साधकों द्वारा गरीब पिछड़े लोगों व देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे एवं जीवन उपयोगी वस्तुओं के वितरण का सेवा कार्य दीपावली के कुछ दिनों पूर्व से शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति जालंधर द्वारा सनातन धर्म देवी सहाय स्कूल जालंधर की बशीरपुरा स्थित ब्रांच में जरूरतमंद बच्चों में स्वेटर वितरण की सेवा की गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए समिति के प्रधान यशपाल शर्मा ने बताया कि पूज्य बापूजी की प्रेरणा से समिति द्वारा स्कूल में 200 गरीब तथा जरूरतमंद बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए हैं। इससे पहले बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी करवाए गए। वहीं स्कूल प्रिंसिपल संजय शर्मा और इंचार्ज सुनीता ने समिति के सदस्यों को स्मृति चिन्ह और फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मानित किया और तहे दिल से उनका आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष यशपाल शर्मा, सचिव विकास जोशी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, अमन बग्गा, युवा सेवा संघ उपाध्यक्ष प्रदीप भाटिया, सचिव डॉक्टर गिरीश सप्रा, संयुक्त सचिव अनिरुद्ध राणा, महिला उत्थान मंडल अध्यक्ष पूनम कक्कड़, गीता भारद्वाज और दीक्षा भारद्वाज ने इस सेवा कार्य में अपना सहयोग दिया। आज देवी सहाय स्कूल सेमी स्कूल सोगर रोड की ब्रांच शीरपुरा देवी सहाय ब्रांच की एक ब्रांच शीरपुरे विच संत श्री बापू आशाराम जी वालों आश्रम वालों बच्चों 214 स्वेटर बंडे गए। मैं आश्रम का बहुत धन्यवादी हाँ इस बहुमुल्य योगदान जो उन्होंने बच्चों के आने वाले सर्दियों को ध्यान रखते हुए जो ये उपराला किया है। मैं अपने स्टाफ वालों अपने वालों अपने मैनेजमेंट वालों अश्क संत श्री बापू आशाराम जी के आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम चौगावा की तरफ तो अज सनातन धर्म स्कूल प्राइमरी स्कूल बशीरपुरा फाटक के नेड़े तकरीबन 225 स्वेटर का वितरण गरीब बच्चों का वितरण किया गया। आश्रम वालों यह गतिविधियां और बच्चों बुद्धि शक्ति बढ़ाने के तरीके सिखाए गए। ये सारी गतिविधियां पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी प्रेरणा नाल अगे भी करते रहे हैं और अगे भी अलग अलग स्कूलों से करते रहेंगे।